मैंगलोर मल्टीमीडिया। आज हम बनाने वाले हैं टोमेटो का सार। ठीक है, हम दिस इज ये एक्चुअली महाराष्ट्रन डिश है और ये बनाई, इसका मेन इंग्रेडिएंट है टोमेटो। तो और ये एक्चुअली राइस के साथ खाया जाता है। तो मैं आपको अभी उसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। उसके लिए हमको लगेगा धनिया, अखा धनिया, जीरा, राई, ये सूखा लाल मिर्ची है, ये मैंने लवंगी लाल मिर्च लिया है। आप चाहिए तो ऐसे बड़े वाले आते हैं लाल मिर्च, वो भी यूज़ कर सकते हैं, उससे अच्छा कलर भी आएगा, ये तीखापन देगा और वो कलर देगा। फिर लगेगा हमको थोड़ी सी लहसुन, फिर थोड़ा सा करी लीव्स और कोकोनट, ऐसे उसके कोकोनट के ऐसे ऐसे लंबे लंबे पीसेस करके लेने हैं, और टोमेटो प्यूरे लगेगा और ऑयल, नमक। ठीक है, पहले हमको इसके लिए एक मसाला बनाना पड़ता है, फिर हम उसको तड़का देते हैं। तो मैं पहले दिखा देती हूँ कि आपको मसाले में क्या क्या डालना है। तो अभी मैं आपको इसके लिए जो मसाला लगेगा ग्रेवी के लिए वो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये मेरा मिक्सी का जार है, उसमें मैं डाल रही हूँ कोकोनट, ठीक है, उसमें लहसुन, आप चाहिए तो इसमें जिंजर भी डाल सकते हैं, अच्छा टेस्ट देता है। उसके बाद ये लाल मिर्च, अपने हिसाब से यूज़ करिए, आपको कितना तीखा चाहिए जो भी है। उसमें थोड़ा सा मैं जीरा डाल देती हूँ, ठीक है, और धनिया। और इसको अब ये मसाले को हम अभी मिक्सी में पीस लेंगे। अभी आप देख सकते हैं हमको, हमें इसमें फाइन ग्राइंड करना है, इसको एकदम फाइन ही ग्राइंड करना है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ऐसे किस इसको भी हम तड़का देंगे। तो तड़के के लिए हमको लगेगा एक पैन में ऑयल, ऑयल में थोड़ी सी राई जाएगी, करी लीव्स, करी लीव्स के बाद टोमेटो की ग्रेवी डालें। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप अभी हम इसको अच्छे से कुक करेंगे कि टोमेटो का एक कच्चापन होता है, उसको अच्छे से अगर आप थोड़े देर इसको फ्राई करेंगे तो इसका कच्चापन निकल जाएगा, और आप देखेंगे कि इसको तेल भी छूटेगा साइड साइड में। तो हम इसको थोड़ी देर पहले पकने देते हैं। अभी आप देख सकते हैं इसको किस तरह ऑयल छूटा है, इसको इस तरह पका के लेना है तो ही वो ग्रेवी होगी जो उसको अच्छे से टेस्ट आती है। आप देख सकते हैं कैसे इसको ऑयल छूटने लगा है। अभी हम इसमें डालेंगे ये जो ग्रेवी हमने की है, इसको अभी हम इसमें डालेंगे, सॉरी मसाले को। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी ये जो मिक्सी में जो ग्रेवी बची थी, ये जो मिक्सी में ग्रेवी बची थी उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जो बचा कुचा जो मसाला है
वो भी हम यूज कर सकते हैं। ऐसा हिला देंगे और अभी ये पूरा मसाला हम इसमें डाल देंगे और फिर आपको जैसी कंसिस्टेंसी चाहिए इसकी वैसी आप इसकी कंसिस्टेंसी रख सकते हैं। मुझे ये थोड़ा गाढ़ा लग रहा है इसलिए मैं इसमें और थोड़ा पानी ऐड करूँगी। ये पानी है और इसको हम अभी थोड़ा उबाल आने से पहले इसमें थोड़ा सा नमक स्वादानुसार, आपको जैसे नमक पसंद है वैसे इसको थोड़ा सा स्टर करेंगे। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, नॉट डिपेंड्स आपको कैसी उसकी कंसिस्टेंसी चाहिए। जिसको गाढ़ा पसंद है आप गाढ़ा रख सकते हैं इसको, और अगर आपको थोड़ा सा पतला चाहिए तो आप पतला भी कर सकते हैं, बट मुझे ऐसे ही पसंद है तो मैं ये कंसिस्टेंसी रख रही हूँ। ये थोड़ा सा उबाल आने लगे तो इसमें हम ऊपर से कोरिएंडर डालेंगे, वापस स्टर करके ढक के थोड़ा टाइम बॉईल होने रख देंगे। अभी आप देख सकते हैं कि ये बॉईल होने लगा है और अभी ये सर्व करने रेडी। तो मैं गैस बंद कर देती हूँ और इसको एक बोल में मैं सर्व कर देती हूँ। ये देखिए मैंने सर्व कर दिया है और इसको मैं ऊपर से गार्निशिंग के लिए कोरिएंडर